गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज जतिन सचतेवा फ्रॉम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल योर टीचर ऑफ इंग्लिश एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी क्रूशल टॉपिक विद ऑल ऑफ यू दैट इज हाउ टू राइट अ स्पीच स्पीच को कैसे लिखा जाता है आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी स्पीच लिखने के लिए आपके पास क्या क्या मटीरियल होना चाहिए और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए सी इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ इज कंसर्न दोनों क्लासेस के अंदर यूजअली चाहे एलेवेंथ क्लास होम एग्जाम हो या ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम हो दोनों के अंदर आपसे पूछा जाता है हाउ टू राइट अ स्पीच द एग्जामिनर जो एग्जामिनर होता है दैट गिव्स यू अडिंग और उसी हैडिंग के बेसिस पर आपको एक स्पीच बोलनी नहीं होती डिलीवर नहीं करनी होती लिखनी होती चलिए है, जानते हैं कि एक अच्छी स्पीच को कैसे लिखा जाता है बट एज यूजल बिफोर वी मूव ऑन आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं, जिन पॉइंट्स को मैं इलेबोरेट कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को ब्रीफली नोट कर ले एंड गैस Uh, i would like to tell you one more thing that uh, i am going to start live classes soon main live classes bhi start karne wala hu bahut jaldi uske liye aapko notification de di jayegi aapko updates diye jayenge ki aapko कब और किस time पे live आना है, वो आपको बता दिया जाएगा. चलिए without wasting much of the time let's discuss how to write a good speech

दिमाग में रखने हैं जब भी आप एक स्पीच को लिखने बैठे द फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च योर टॉपिक कोल ये जो चीज़ है हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि कुछ भी लिखने से पहले देखिए वेदर इट इज आर्टिकल राइटिंग स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग आप सभी को उस टॉपिक को उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करनी चाहिए सपोज आप एक स्पीच डिलीवर करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो आप उसको गूगल कीजिए आप डेटा निकालिए रिसर्च कीजिए उसके प्रोज एंड कौन के बारे में देखिए इन शॉर्ट एंड नचल में अगर हम बात करें तो उसको इन्स एंड आउट्स तक गो थ्रू कीजिए कि वीमेन एम्पावरमेंट है क्या उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको कैसे किया जाता है आई मीन यू शुड नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द टॉपिक एंड दैट कम्स फ्राम रिसर्च वो कहाँ से आएगा इस जब आप रिसर्च करना सीख जाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को ध्यान में रखना है कि यू हैव टू रिसर्च आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड रिसर्च देखिए रिसर्च करने के बाद आपके जो आइडियाज हैं जो आप सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में उन आइडियाज को और उस रिसर्च को जो आपने की है उनको ऑर्गेनाइज करना है आपको उनको सीक्वेंस में लगाना उनकी एक फ्लुएंसी बनानी है गैस। पहले आपको रिसर्च करना है उस रिसर्च के अंदर आपको अपने आइडियाज डालने हैं टू मेक इट अ गुड स्पीच उसको एक अच्छा स्पीच बनाने के लिए थर्ड पॉइंट इज ड्राफ्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर जब आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर लें वेन यू एक्यूमुलेट रिसर्च एंड आइडियाज मेक श्योर यू ड्राफ्ट इट आप उसको एक रफ पेपर पे या किसी भी पेपर पर रफली लिख लें

देखिए जब भी आप एक स्पीच लिखने बैठे जब भी आप ड्राफ्टिंग करने बैठे तो आप ऐसे लिखिए एज इफ यू वर टॉकिंग जैसे कि आप बात कर रहे जैसे कि आप लिख नहीं रहे आप बात कर रहे इसका जो इम्पेक्ट है ना ये स्पीच में दिखाई देता है जब आप बोलने की प्रैक्टिस करते हैं वही वाला कंटेंट लिखते हैं जैसे आप बोल रहे हैं तो आप देखते हैं कि इम्पैक्ट बहुत पड़ता है ऑडियंस के ऊपर ऑडियंस एंजॉय इट ऑडियंस जो है इसको एंजॉय करती है फिफ्थ पॉइंट इज इक्वल टू क्लियर पॉइंट्स देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेट लिखिए जितने कम वर्ड्स होंगे उतना को समझा पाएंगे आप। कम शब्दों का अच्छे शब्दों का यूज कीजिए अच्छे वर्ड्स का यूज कीजिए एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस और ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर दीजिए एंड द लास्ट वन इज सिंप्लीफाइड जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया जो आपने रिसर्च की है जो आपने आइडियाज डाले हैं जो आपने ड्राफ्टिंग की है जो आपने लिखा है जो वर्ड्स आपने लिखे हैं प्लीज मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट कैन अंडरस्टैंड। सी द मोटिव ऑफ राइटिंग अ स्पीच और डिलीवरिंग अ स्पीच इज टू मेक द मैसेज क्लियर इज टू कन्वे अ क्लियर मैसेज टू द ऑडियंस का आपको ऑडियंस को एक क्लियर मैसेज देना होता है एंड दैट कम्स फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई द कंटेंट जो भी आपने कंटेंट लिखा है मेक श्योर sure आप उसको सिंप्लीफाई करें सिंपल वर्ड्स का यूज कीजिए ताकि सारे जो आपके ऑडियंस है वो समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं तो गैस ये छह पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी स्पीच को लिखने के लिए लेट मी वंस अगेन टेल यू फ्रॉम द स्क्रैच कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं पहले तो आपको रिसर्च करनी है उसके बाद आपको अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करना है रिसर्च के साथ देन यू नीड टू ड्राफ्ट इट आपको अपने वर्ड्स वही लिखने हैं जो आप बोलते वक्त यानी आपको ऐसे लिखना है जैसे आप बोल रहे हैं कम वर्ड्स का यूज करना और सिंप्लीफाई करना ये सारी चीजें आपको याद रखनी है गैस अगर आपको ये छह पॉइंट्स याद है तो बिलीव मी यू कैन राइट अ वंडरफुल स्पीच यू कैन इन्फ्लुएंस एनी इन दिस वर्ल्ड चलिए लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि वट मेक्स अ स्पीच ग्रेट एक स्पीच के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए गए हमारी प्रिपरेशन थी कि हमें कैसे प्रिपेयर करनी है स्पीच अब देखते हैं कि एक अच्छी स्पीच के अंदर होता क्या क्या है एक अच्छी एक नॉर्मल स्पीच अच्छी स्पीच कैसे बनती लुक एट द स्लाइड स्लाइड की तरफ ध्यान दीजिए आप देखिए यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट वेल सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस जिनके सामने आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं गाइज आप उनको ग्रीट कीजिए उसके लिए एक पैराग्राफ होता है आई टेल यू इन द लेटर पार्ट कि वो कैसे लिखा जाता है लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस आर मैंडेटरी आपको ग्रीट जरूर करना है उनको वेलकम जरूर करना है जिनके सामने आप स्पीच डिलीवर करने वाले पॉइंट नंबर सेकेंड इज इंट्रोड्यूस योर ब्रीफली अपने बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना है थोड़ा सा बताना है यू नीड नोट एलेबोरेट योर फैमिली बैकग्राउंड आपको सब कुछ नहीं बताना सीधा अपना नाम बताना है और आपको बताना है कि वट आर यू गोइंग टू स्पीक अबाउट आप क्या बोलने वाले हैं किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले सो so, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा दैट विल बी ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस एंड योर इंट्रोडक्शन उसके बाद जो आप पैराग्राफ बनाएंगे गाइस दैट विल बी अबाउट द टॉपिक जिसमें आप टॉपिक के बारे में बताएंगे टॉपिक के कोजेस के बारे में बताएंगे अगर है तो प्रोज एंड कौस पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बताएंगे अगर आपको पता है तो और ये कहाँ से आएगा गैस दैट कम्स फ्राम रिसर्च जब आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको रीजनस भी पता चल जाएंगे आपको प्रोज एंड कौनस भी पता चल जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको डालनी पॉइंट नंबर फोर्थ जो आपको याद रखना है गैस यू नीड टू एड स्टार्ट योर स्पीच स्टेटिस्टिक्स जरूर एड कीजिए स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू डेटा जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको डेटा मिलेगा फॉर एग्जाम्पल यूर राइटिंग ऑन चाइल्ड लेबर सपोज कीजिए आप चाइल्ड लेबर के ऊपर एक स्पीच लिख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि चौदह साल से कम बच्चों से काम लेना इज आपको पता चलेगा हाउ मैनी चाइल्ड लेबरर्स आर देयर इन आर कंट्री कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं कितना फाइन लगाते हैं उनके ऊपर कितनी इम्प्रीजनमेंट है दैट कम्स फ्रॉम रिसर्च का दैट्स वाई आई एम एम्फिस ऑन की आपको रिसर्च जरूर करनी है बिफोर राइटिंग एनी ऑफ द टॉपिक और बिफोर राइटिंग अ स्पीच इसके अलावा गैस स्टेटिस्टिक्स के साथ साथ यू कैन एड समू इट आप इन्वर्टेड uh, कोमा के अंदर कोट्स मैंशन कर सकते हैं दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक जो टॉपिक से रिलेटेड हैं आपको याद रखना गैस आप कोट्स भी एड कर सकते हैं उसके बाद जो आपको पैरा बनाना है गैस उसमें आपको वेज बताने हैं सजेस्ट करने हैं वेज कि हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम आपको बताना है कि सपोज चाइल्ड लेबर भी आप लिख रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए इज एजुकेशन द ओनली सोल्यूशन इज अवेयरनेस द दोल्यूशन आई मीन वट एवर यू वॉन्ट टू सजेस्ट जो भी आपको लीगल लगे जो भी आपको अच्छा लगे ऑडियंस को अच्छा लगे सुनने में वो आप सजेस्ट कीजिए एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑडियंस आपको ऑडियंस का थैंक्स भी जरूर करना है देखिए इट ऑडियंस एंड इट टू ऑडियंस ये जो दो पॉइंट है इनफैक्ट सारे के सारे जो छह विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फर ए स्पीच राइटिंग लुक एट दीज कि क्या क्या करना है आपको पहला पॉइंट आपका ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस सेन इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ये एक ही पैरा के अंदर आएंगे पहला पैरा के अंदर वन एंड टू जो सेकेंड पैरा बनेगा दैट द टॉपिक जिसमें आप कॉजेस प्रोज एंड कॉन्स एडवांटेजेस डिस की बात करेंगे डिपेंड ऑन द टॉपिक डिपेंड्स वट यू आर गोइंग टू राइट फोर्थ जो नेक्स्ट जो पैरा बनेगा उसमें आप स्टैट्स के बारे में डेटा के बारे में बात करेंगे यू कैन एड सम्बर दैट कोर्स कैन बी एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच एज वेल आप स्पीच को कोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पैरा में आपको वेज बताने हैं आपको सोल्यूशन बताने हैं कंक्लूड करना है आपको कि कैसे ओवरकम किया जा सकता है प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती हैं चीजें एंड इन द एंड ऑफ द स्पीच का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू थिंक द पीपल हु है फ्यू मिनट्स आपको उन सभी लोगों का धन्यवाद करना है इन शॉर्ट आपको ऑडियंस का धन्यवाद करना है जो आपको सुन रही है पॉइंट गाइस ये छह अगर आप याद रखेंगे यू कैन राइट एन ऑर्डिनरी स्पीच यू कैन कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी स्पीच टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है देखिए लुक एट द स्लाइड आप देख रहे हैं कि इट बिगिंस विद द कोट इसको कोट से स्टार्ट किया हुआ है ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट एंड वायलेंस एग्रोवेट द डिजीज एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट मैंडेटरी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें यू कैन स्टार्ट इट विदे स्टार्ट किया गया है उसके बाद वाले देखिएगा इंट्रोडक्शन है गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट मेम्बर्स इम्पैकेबल टीचर्स एंड ऑल माई डोसील पियर्स टूडे ऑन दिस ब्रीजी मॉर्निंग आई वुड लाइक टू पुट पेन टू पेपर सम ऑफ माई व्यूज रिगार्डिंग एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स which leads to their own pessimistic approach towards everything. बहुत खूबसूरती के साथ एलेबोरेट किया हुआ आप है आप देखिए इसके अंदर ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस भी हैं उसके साथ साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी है थोड़ा सा बताया भी है कि मैं किस टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ उसके बाद एक लाइन स्किप करके आपको नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करना स्कूल्स आर मेंट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड लर्निंग अ वे टू लीड अ सिविलाइज एंड डिस But when the apprentice of the teachers who arrive at school late and exhibit what they are not punctual display their aggression in the form of rage with peers cross-questioning from teachers and vandalism of school property for the sake of fun the meaning of school and its values and ethics seem futile but usne elaborate Kiwa ये वेंडलिजम के ऊपर आया हुआ टॉपिक है गाइस वेंडलिज़म के ऊपर डिस्ट्रक्शन के ऊपर जो बच्चे करते हैं स्कूल में उसके ऊपर आई हुई एक स्पीच है जिसको एलैबोरेट किया जा रहा है जिसमें वो बता रही है कि स्कूल का मतलब नॉलेज को एक्वायर करना होता है स्कूल इसलिए जाते हैं बच्चे ताकि लर्न कर सके दे कैन एक्वायर नॉलेज बट देर इज़ नो मीनिंग ऑफ स्कूल देर इज़ नो मीनिंग ऑफ मैनर इफ़ मैनर इफ़ दे गो देयर एंड वेंडलाइज द थिंग्स अगर वो चीज़ों को वेंडलाइज कर दे अगर वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आपको याद रखना है आपको ये सारी पॉइंट्स ऑन करने एग्रेशन एग्रे टू वॉच द डिस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स इट कम टू एम्फेसाइज ऑन द स्टडीज एंड सीक्स फॉर पीस इंडल फाइट्स एडिक्शन मूवीज द मेंटल एंगजाइटी रीचेज इट स्पीक एंडेट बिहेविंग इन क्या हो जाता है एग्रेशन जो है अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं दे नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दे स्टडीज और वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ भी मिसबिहेव करते हैं वो भूल जाते हैं हाउ टू बिहेव यानी कुल मिलाकर अभी तक हम देख रहे हैं कि स्पीच uh, के अंदर कोट है स्पीच के अंदर ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस है, स्पीच के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्पीच के अंदर अबाउट द टॉपिक भी लिखा हुआ है स्पीच के अंदर उसके uh, जो डिसएडवांटेजेस हैं एग्रेशन के जो वेंडलिज्म के डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी मैंशन किया हुआ सच नॉन चैलेंज कैन बी इरेडिकेटेड ओनली वैन स्ट्रिक्ट रूल्स आर अप्लाइड इन स्कूल्स ऐसा जो बिहेवियर है उसको कैसे रेडिकेट किया जाता है वैन स्ट्रिक्ट रूल्स आर अप्लाइड इन स्कूल्स एज इट इज वेल सैट दैट स्पेयर द रोड स्पॉयल द चाइल्ड जैसा कि खूबसूरत कहावत भी है स्पेयर द रोड स्पॉयल द चाइल्ड कि बच्चे को मारना छोड़ दो वो अपने आप बिगड़ जाएगा इफ चिल्ड्रेन आर नॉट कंट्रोल्ड एंड टोड द वैल्यू ऑफ बिहेविंग नाइसली दे वी एबल टू अप्रीहेंड द ग्रेविटी ऑफ काइंडनेस एंड डिसिप्लिन अगर स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया गया कि हाउ टू बिहेव हाउ टू टॉक हाउ टू डील विद द पीपल वो कुछ नहीं समझ पाएंगे वो काइंडनेस डिसिप्लिन जैसी चीज़ों को कभी नहीं समझ पाएंगे और गाइस आपको लास्ट में याद रखना है आपको ऑडियंस का थैंक्स भी करना है सो so गाइज आपने देखा यू हैव सीन हाउ टू राइट अ स्पीच मैं एक बार फिर बता दूँ स्पीच के अंदर क्या क्या है दैट स्पीच कंटेन्स कोट उसके अंदर इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस है उसके अंदर टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है इट हैज प्रोज एंड कॉन्स टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं प्रोज एंड कॉन्स के बाद उसमें बताया भी गया है हाउ टू डील विद द स्ट्रेस हाउ टू डील विद द सिचुएशन सिचुएशन से कैसे करना है बच्चों को कैसे सिखाना है और लास्ट में आप देख रहे हैं शी हैज़ थैंक द ऑडियंस एज वेल ऑडियंस का भी थैंक किया गया है फॉर बींग सो काइंड फॉर बींग सो पेशेंट थ्रू आउट हर स्पीच तो गाइज ये जो पॉइंट्स हैं री स्पीच अ वरफुल वन एक ऑर्डिनरी स्पीच को एक खूबसूरत स्पीच बना देते हैं गॉट इट गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट स्पीच राइटिंग की एक स्पीच को कैसे लिखा जाता है एक बार मैं फिर ब्रीफली एलेबोरेट कर दू की पॉइंट को जो आपको याद रखने हैं गाइज बिफोर वी वाइंड अप इससे पहले हम वाइंड अप करें टॉपिक को इससे पहले हम स्पीच राइटिंग को वाइंड अप करें की पॉइंट्स पर एक बार फिर नजर मारिए इनका इनको नोट डाउन कर लीजिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए इन वट एवर फॉर्म यू वॉन्ट जिस फॉर्म में भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं देखिए की पॉइंट्स क्या याद रखने है? आपको रिसर्च करनी है रिसर्च योर टॉपिक वेल ऑर्गेनाइज योर आइडियाज एंड रिसर्च ड्राफ्टेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट लाइक यू टॉक फ्यूअर वर्ड्स इज इक्वल टू क्लियर पॉइंट्स इन सिंप्लीफाई ये छः पॉइंट्स आपको याद रखनी है गैस एंड बिलीव मी यू कैन गेट टेन आउट ऑफ टेन बीट क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ आप 10 में से 10 नंबर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं आई होप गाइज ये सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा वीडियो सभी को पसंद आया होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए इसके अलावा गाइज इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनी you इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट डू गो टू द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन की तरफ जाइए और अपना कमेंट मेंशन कीजिए इन केस इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं यू ऑल हैव माई नंबर सभी के पास मेरा नंबर है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट मच कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है गो एंड डायल माई नंबर एंड टॉक टू मी एंड गेट द प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए बिसाइड्स का इस जैसा कि मैं आपको डेली बोल रहा हूँ कि स्टे एट योर होम अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है पढ़ाई पर रखिए घर पर रहिए डोंट पैनिक घबराने की जरूरत नहीं है बाहर जाने की जरूरत नहीं है घर पे रहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप पढ़िए थैंक यू वेरी मच हैव है नाइस डे